13 नवंबर की देर रात ससुराल वालों को खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने के बाद सोने के जेवर व नकदी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हनों को काफी मशक्कत के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। लुटेरी दुल्हन पहले से ही शादीशुदा निकली, वह फर्जी दुल्हन बनकर कुंवारे लड़कों के साथ शादी करवा दूसरे दिन घर से सोने के जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। शादी कराने के नाम पर कुंवारे लड़कों को यह गैंग अपने जाल में फंसाता है, फिर गैंग की महिलाओं से उनकी शादी कराता है और शादी के दूसरी रात को ही ये फर्जी दुल्हने घर से नकदी व सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो जाती है। यह सनसनीखेज मामला राजस्थान के भरतपुर के चिकताना थाना क्षेत्र के गांव हथैनी में सामने आया। हम आपको बता दें, 8 नवंबर 2019 को दो सगे भाई नाहर सिंह व रमेश सिंह की शादी दो सगी बहनों सीमा व शिवानी के साथ हुई थी, मगर शादी के महज 5 दिन बाद ही दोनों दुल्हने परिजनों को नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर बेहोश कर घर में रखे सभी सोने के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गई थी। बाद में दूसरे दिन सुबह होने पर घटना का पता चला, उसके बाद परिवार के सभी बेहोश लोगों को जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया और लुटेरी दुल्हनों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस की टीम गठित की गई। शादी कराने के बदले गैंग के मुखिया ने लड़कों के पिता अमर सिंह से 2 लाख रुपए पहले ही ले लिए थे। लूटे गए सोने के जेवरातों की कीमत करीब 6 लाख रुपए और नकदी 2,10,000 रुपए थी, जिसे लेकर लुटेरी दुल्हने फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक एक ऐसा फ्रॉड गैंग है जो अपनी गैंग की लड़कियों की शादी उन लोगों से कराता है जिनकी शादी नहीं हो रही होती है और जिनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए कुंवारे लोग ज्यादातर इस गैंग के झांसे में आ जाते हैं और उनके द्वारा बताई गई लड़कियों से शादी कर लेते हैं। यहाँ के जिन युवाओं की शादी नहीं होती है वह ज्यादातर इस तरह की गैंग के झांसे में आ जाते हैं और बिहार उत्तर प्रदेश के ठग गैंग के जाल में फंसकर शादी कर लेते हैं, जहां शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हने सारा सामान व नकदी लेकर फरार हो जाती हैं, जो इस ठग गैंग की कमाई का माध्यम है। गिरफ्तार फर्जी दुल्हन अंजलि 30 उर्फ सीमा उर्फ ममता त्रिलोक सिंह की पत्नी है, जो हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में भगत सिंह कॉलोनी में रहती थी। पुलिस ने इस महिला को बरेली से गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दुल्हन बनी थी और शादी के बाद रात को जेवरात चोरी कर फरार हो गई थी। फर्जी दुल्हन ममता ने बताया कि वह काफी गरीब है और अपने 2 बच्चों की पढ़ाई की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाती, इसलिए वह एक गैंग के झांसे में आ गई और उनके कहने पर वह फर्जी दुल्हन बन गई। फिर शादी के बाद सामान को चोरी कर गैंग के मुखिया को दे दिया, जिसके बाद उसको 24,000 रुपये मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाज और मीडिया।